ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान देकर हम बच्चों को कितना मीठा बना रहे हैं। इतना मीठा बाबा, हम बच्चों को मीठा बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप जो तुम्हें हीरे जैसे बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो इसलिए संशय बुद्धि विनाशंती, तो हमें अपना नुकसान नहीं करना है। मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है, ये निश्चय पक्का कर लेना है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई उसका आधार है निश्चय बुद्धि। अगर हम संगमिक पर भगवान से मिले हैं, क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु कोई शरीर तो है ही नहीं, नहीं तो माया अनेक प्रकार की इस साहस को तोड़ देती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भगवान के ऊपर, सुखदाता के ऊपर हमारा संशय आ जाता है, तो मतलब हम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चे, मीठे बच्चे, ज्ञान पाकर, योग सीखकर कभी भी अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। कितना महिमा करते हैं दुनिया वाले, तो हमें प्यार से भरपूर कर रहे हैं, ऐसे बाबा में जरा भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान प्यार लुटाकर क्या कर रहे हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। तो सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती है, बाबा कह रहे हैं। प्रलय जो शब्द कह रहे हैं कि प्रलय हो जाएगा या संसार, नहीं, बाबा कहते हैं पूरी दुनिया विनाश नहीं होती है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बनानी है। जैसे हम पुराने घर में रहते हैं, तो इसी प्रकार ये दुनिया परिवर्तन होगी, ये जो दिल्ली है जहां से सतयुग शुरू होने वाला है। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। पहले बाबा कहते हैं दुनिया तो परिवर्तन होगी, लेकिन अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने गुणों को बदले, गुणों को सद्गुणों में, दिव्य गुणों में बदले। तो उसके लिए चाहिए परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। जैसे लौकिक में कहते हैं मैं सर्जन बनूंगा, वरिष्ठ बनूंगा, तो हमें क्या कहना है, मुझे मनुष्य से देवता बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। अंतिम स्थिति क्या है कि कर्मातीत अवस्था, मतलब देवता स्वरूप की स्थिति, मनुष्य से देवता बनने का यह संकल्प बार बार हमें अभ्यास में लाना है, दोहराना है, अपने आप को सम्मान देना है, मैं देवता बनने वाला हूं। जैसे लौकिक में किसी प्रकार से पढ़ाई पढ़ते हैं तो अपने सम्मान देते हैं, मैं ये बनने वाला हूं, वो संकल्प रखे, उसी लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सबको सुख देना है, संसार को परिवर्तन करना है, क्योंकि मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा निराकार 5000 साल पहले ऐसे हम बच्चों को पढ़ाए थे, और अभी फिर से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हमें आधा नहीं छोड़ना है। लौकिक में भी अगर पढ़ते पढ़ते आधा छोड़ देंगे तो क्या बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? मायाजीत बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। वो साहस क्या है, निश्चय बुद्धि। जितना निश्चय होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, हमारी धारणाएं जीवन में बहुत ऊंच होता जाएगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो हमारे संकल्प संस्कार में धीरे धीरे समाता है, फिर आचरण में वैसे चीज आने लगती है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा से पढ़ रहे हो तो अटेंशन दो, क्योंकि सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, जरा भी यहां पाप की बात नहीं है, संपूर्ण पुण्य कर्म करना है, क्योंकि मुझे आत्मा को देवता बनना है, ग्लानी जरा भी नहीं करनी है, नहीं तो 100 गुणा दंड मिलता है। बस समझना है मैं निमित्त आत्मा हूं, किसी भी प्रकार की खराब नहीं करना है। बाबा मुझ आत्मा को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहे हैं, और पुण्य आत्मा बनने के लिए मुझे उनको याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि मैं दैवी संप्रदाय में अभी जा रहा हूं,
पहले कहाँ था? आसुरी संप्रदाय में। तो अभी मेरे संस्कार और संकल्प सब कुछ दिव्य होना चाहिए और उसके लिए मुझे सत्संग रोज करना जरूरी है, क्योंकि एक ही परमात्मा है जो सतयुग की स्थापना करते हैं। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोले के चित्र में क्लियर है, बाबा कह रहे हैं। तो ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता घर में नहीं आ सकते हैं। संशय जरा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देह अभिमान आ जाते हैं और घड़ी घड़ी जब देह अभिमान आ जाएगा तो आत्मा चढ़ती कला में नहीं जा सकती है। बाबा हमको मंत्र दिए हैं, पढ़ना है, ये पढ़ने का मंत्र है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में फिराना है। याद की यात्रा में रहना है तो विकर्म विनाश हो जाएगा। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आग में किसी चीज को डालेंगे, अगर आग बुझ गया तो क्या होगा? वो शुद्ध नहीं बन सकता है, वो चीज नहीं बन सकता जो हम बनाना चाहते हैं। तो परमात्मा की याद में हम नहीं रहेंगे तो संपूर्ण पावन कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं राम राज्य जिंदाबाद और रावण राज्य मुर्दाबाद, मतलब रावण राज्य संपूर्ण रूप से विनाश होने वाला। तो पहले पहले जब शुरू होती है, बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं द्वापर में, बहलीबुल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया तो लिंग कैसे बनाना चाहिए? हीरा। लेकिन अब कलयुग में पानी का बन गया, लोहे का बन गया, पत्थर का बन गया। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम नीचे गिरते हैं उसी तरीके से ये बनता जाता है, लेकिन शुरू शुरू में हम धनवान होते हैं तो हम हीरे का बनाते हैं शिव का लिंग। बाबा कहते हैं अभी तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, पूरा दुखों से, कर्म भोग से संपूर्ण रूप से छूट जाते हैं और सुख ही सुख, क्योंकि विश्व में संपूर्ण शांति की राजाई की स्थापना स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं नारायण के चित्र पर भी लिख सकते हो ये बातें कि विश्व की शांति कौन स्थापना कर रहे हैं। समझाने की बड़ी बुद्धि चाहिए, चित्र के आगे वेट ख्याल चलना चाहिए। बाबा कहते चिंतन करना चाहिए, जैसे बाबा मुरली चला रहे हैं या चित्र देखते हैं तो हमारे चिंतन चलना चाहिए और इसमें क्या नया समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं गेट टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है, जैसे कहते हैं दिल्ली में इंडिया गेट, मुंबई में इंडिया गेट, तो कहने की बात है ऐसे ही रखना है कि गेट टू हेवन, स्वर्ग जाने का रास्ता ये गेट है, क्योंकि सब दुनिया में अंदर फंसे हुए हैं माया के राज्य में। अब वहां से छुड़ा के बाबा ले जाते हैं सतयुग में, तो उस कार्य में हमें भी मददगार बनना है, सबको ये सुनाना है। तकदीर बिगड़ती है फिर ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठ जाती है, तो गोरा बनना है अभी, अर्थात संपूर्ण पावन बनना है। बाबा गुप्त रीति से पढ़ा रहे हैं तो गुप्त रीति से समझ के गुप्त रीति से सबको समझाना है कि मैं एक आत्मा हूं, यह शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। धारणा में बाबा कह रहे हैं सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं भगवान पढ़ा रहे हैं। सामने वाले भाई बहन जो भी सुना रहे हैं वो नहीं, भगवान पढ़ा रहे हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्यात्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। बाबा वरदान में दे रहे हैं सो स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव, कोई भी परिस्थिति हो, प्रकृति द्वारा आती हो या किसी व्यक्ति द्वारा, ये परिस्थिति रचना है लेकिन सो स्थिति रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकता। तो मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। असंभव भी संभव कर सकते हैं, अगर कोई अपना सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। तो इसलिए सो स्थिति को नहीं छोड़ना है, सीट को नहीं छोड़ना है। सीट को छोड़ेंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे, सेट पर रहेंगे तो सर्वशक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, स्वतः ही अपने आप शक्ति आएगी बाबा से। जो सीट पर सेट होते हैं वो जीत पाते हैं और जो नीचे आ जाते हैं तो माया धूल लग जाती है। तो बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान के मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो मैं कौन हूं? विजयी आत्मा हूं। बाबा स्लोगन में कह रहे हैं दृढ़ता,
कड़े संस्कार को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। तो दृढ़ता की अग्नि है तो वो हम बच्चों के अंदर, मेरे अंदर होनी चाहिए। दृढ़ता ही हमें शक्तिशाली पुण्यात्मा बनाती है, पावन आत्मा बनाती है, विकारों से छुड़ाती है। तो दृढ़ता अपनानी है, मुझे करना है, मुझे योग करना है, मुझे दिव्य गुण धारण करना है। इसी के साथ मुरली को और गहरा रीति से हम चिंतन करेंगे और बाबा की याद में रहकर मुस्कुराते हुए पुरुषार्थ करेंगे। और आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा अनुभव करें सर्वशक्तिवान मेरे साथ मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।